नाजिन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का एक ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते एक अहम मौजू पर बात होती है और आजकल जो बाबरकत महीना चल रहा है रमजान मुबारक का, और बस कुछ ही दिन बचे हैं इस महीने के और उसके बाद ईद आ जाएगी। लेकिन ईद से पहले जो लोग शॉपिंग्स के लिए जाते हैं, बाजार में हम देखते हैं गहमा गहमी रहती है। कहीं ना कहीं लोग जो दुकानदार हजरात हैं या जो बाकी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत ये रहती है कि भाव बढ़ गए अचानक से ईद के मौके पर या किसी भी बड़े दिन के मौके पर भाव बढ़ जाते हैं, या फिर लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि सामान छिपाया जाता है, लोग सामान छिपा देते हैं और फिर उसी छिपे हुए सामान को अच्छे दाम पे बेचने की कोशिश करते हैं। इसी मौजू पर आज बात होगी और इस मौजू पर आज बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है ज्वाइंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जनाब मोहम्मद अकबर भट्ट साहब को, जो कि के एस ऑफिसर हैं। अकबर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि एज ज्वाइंट डायरेक्टर आपके जो आपका जो डोमेन है वो क्या क्या पड़ता है? एज ज्वाइंट डायरेक्टर या एज डिपार्टमेंट का जी बोलना है सर? जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरी तरफ से नाजरीन व हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जहां तक तबरेज साहब आपने फरमाया कि आपकी एज ज्वाइंट डायरेक्टर डोमेन क्या है, जी बेसिकली हमारे जो डायरेक्टरेट है ये प्रोविंशियल हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है जी। डायरेक्टर के नीचे मैं हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूं जी। तो जहां तक डिपार्टमेंट का क्या किस एक्टिविटी के साथ हम वाबस्ता हैं, हमारा काम है लोगों को राशन फराहम करना सब्सिडाइज रेट्स पर डिफरेंट कैटेगरीज में, नंबर एक जी। नंबर दो हमारा इंपॉर्टेंट, जैसे आपने वजह फरमाया कि ईद के मौके पर जखीरांदोजी होती है, तो रेट फिक्सेशन का जो मसला है प्राइस कंट्रोलर होता है रेट फिक्स करने का हमारा डायरेक्टर साहब, तो फिर उन रेट्स को एनफोर्स करने के लिए भी हमारे डिपार्टमेंट की एक लिमिटेड जिम्मेदारी है। रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे साथ जो और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर क्वालिटी की बात करें तो उसके लिए एक अलग फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ तक वेट का मसला है तो उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो जहाँ तक जैसे आपने कहा कि कुछ डिपार्टमेंट्स मतलब कुछ दुकानदार ईद के मौके पर चीज़ें छुपा भी रहे हैं, आइटम छुपा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही जी। अगर हम आजकल देखें, अभी रमजान का महीना चल रहा है, हालांकि रमजान के महीने में लोगों की शिकायत ये रहती है कि भाव बढ़ जाते हैं चीजों के, तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? इस जहां तक लोगों की इस शिकायत का ताल्लुक है, एज कंज्यूमर हम भी कंज्यूमर, आप भी हैं कंज्यूमर, मैं भी कंज्यूमर हूं, ये बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है और इस चीज को एड्रेस करने के लिए भी हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह तमाम जो भी एसेंशियल कमोडिटीज की मैं बात करूंगा उनके साथ जो भी तुजारत पेशा लोग मतलब उनके साथ वाबस्ता है उन पर हमारी कड़ी निगाह रहती है। रमजान का महीना शुरू हुआ ही था कि अचानक मटन बाजार से गायब हो गया। एक इसमें ये चीज है कि इस साल अल्लाह ताला का करम है कि रास्ता भी इस साल खुला रहा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो गई, उसके बावजूद भी मटन गायब था। तो ये चीज है कि कुछ लोग जो है वो मस्नूई किल्लत पैदा करते हैं इसी वजह से कि वो मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं, वो गिरा बाजारी गैर मौजूद तरीके से नफा कमाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें उनकी ऐसी कोशिश हो सकती है। हमारा ऐसा भी नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट उन लोगों को ये चीज खुलेआम करने की इजाजत देगा, हम इंश्योर करते हैं कि जो भी अगर ऐसी कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम इंश्योर करते हैं हमारी जो एनफोर्समेंट टीम है, टीम्स होती हैं, वो अगर कोई ये फर्जी मतलब वो कोशिश करेंगे कि किल्लत हो गई तो उन दुकानदारों को फिर आगे दुकान खोलने की इजाजत नहीं रहती है, तो मेरे ख्याल से इस चीज का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है इंशाल्लाह। मटन की ही अगर हम बात करें तो मटन के लिए
एक रेट फिक्स हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि उस फिक्स रेट पर शायद ही कभी मटन बिका हो, लेकिन हाँ कुछ देर तक बिका। लेकिन लोगों की शिकायत ये रहती है कि मटन जो बाजार में बिकता है ये भी अलग अलग क्वालिटी का होता है, रेट तो एक ही फिक्स है, लेकिन एक मटन ऐसा होता है जो क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है और दूसरा क्वालिटी में अच्छा नहीं होता। क्या आपने कभी या डिपार्टमेंट ने कभी इस बात पर गौर किया? आप को भी जैसे हम बात कर रहे थे हमारा क्या प्रेरोगेटिव है, क्या काम है, मैंने आपको बताया कि जहाँ तक क्वालिटी का ताल्लुक जी है तो क्वालिटी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट, वो देख रहे हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट इस पर आंख बंद किए हुए। जहां तक रेट को मॉनिटर करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए हमारी टीम्स राउंड द क्लॉक ऑन टोज होती हैं, वहां पर यह चीज भी देखा जाता है कि अगर कहीं पर नजर में ही लगता है, नेचुरली हम कश्मीरी लोग जो सब गोश्त खाने के आदी हैं, सब उनको पता है कि गोश्त को नजर से पता चल, जहां भी लगे कि गोश्त सबस्टैंडर्ड होता है वहां भी कार्रवाई होती है। अगर आप मुझे स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, इसी महीने में हमने कितने इन मटन डीलर्स को उनकी दुकानों को सीज किया, और आप बेनाजरीन को भी ये बात बताऊंगा कि आज की डेट में किसी मटन डीलर को बंद करना ईद के मौके पर और फिर 15-20 दिन तक उसकी दुकान बंद रहती है, आप खुद ही अंदाजा लगा बहुत सकते बड़ा हैं कि नुकसान उसको होता। कितना नुकसान होगा। मुझे लगता है आवाम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। जी तो मिजाज में पता नहीं कहां पर क्या है, ये चीज है कि जहां तक हमने एनफोर्स किया, अपनी रेट को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहा है डिपार्टमेंट, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास बहुत मीगर स्टाफ है, जी तो कहीं ना कहीं इसमें बेहतरी आई है। हाँ ये बात सही है कि हमारा, क्योंकि मैंने कहा डिपार्टमेंट में लोग कम है, कहीं कहीं पर ज्यादती भी होगी, मगर जहां हमें कंप्लेंट मिलती है तो हम वहां पर पूरी कार्रवाई करते हैं। देखिए अकबर साहब, कहीं ना कहीं ये भी जेन्युइन है कि मटन वाला जो मटन डीलर है या मटन दुकानदार है, जब वो मटन बेचता है, जो रेट फिक्स हुआ था वो पिछले साल हुआ था जब डिविजनल कमिश्नर लेवल पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ, तो उसके बाद एक रेट फिक्स किया गया। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए, तो क्या वो कंसिडरेशन रखी गई कि मटन का जो दाम फिक्स किया गया है उसमें वो कंसिडरेशन रखी गई कि अगर डीजल का दाम बढ़ गया, जो गाड़ियां जो नीचे से आती हैं उन गाड़ियों के दाम बढ़ गए, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है इस दाम पर जो मटन का दाम फिक्स किया गया है? लास्ट ईयर में हमने दो टीम्स को भेजा था आउटसाइड स्टेट मटर का रेट एस करने के लिए, तो जी उस टाइम जो हमने रेट फिक्स किया था तो वो एक साल के लिए था वो रेट। जी उसके बाद जैसे आप सही फरमाते हैं कि दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। बढ़े, क्योंकि ये इस ट्रेड के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो भी कहीं आसमान से नहीं आते हैं, वो भी हमारे ही भाई बहन बिल्कुल हैं, इसी बिल्कुल सोसाइटी का हिस्सा है। तो हमने इंशाल्लाह ये सोचा है कि ईद, डिविजन कमिश्नर साहब ने भी बल्कि यकीन दहानी की है उनको, ईद के बाद किसी भी दिन हम रेट रेट रिवाइज। को रिविजिट रिविजिट करेंगे। अच्छा तो अगर हमें लगा कि रेट को बढ़ाना चाहिए तो इंशाल्लाह तो गवर्नमेंट उसमें आगे आएगी। जी, राशन की अगर बात करें, ये रमजान का महीना चल रहा है और ईद आने वाली है, तो राशन का अभी स्टेटस क्या है हमारा? राशन के मतलब मैं आपको ये बताऊं, मतलब सब लोग ये इस वक्त जो मुझे देख रहे होंगे, राशन जहां तक फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, राशन का कहीं पर भी कोई मसला नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी अपने फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट को इस वक्त मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेके 3 महीने का राशन ऑलरेडी वैली में है, और हमारा राशन एफसीआई से डायरेक्ट स्टोर पर जाता है, राशन की कहीं पर कोई किल्लत नहीं है। बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं, 2-3 दिन पहले ड्यूकॉम साहब ने इस पर एक मीटिंग ली थी, तो उनके हमें डायरेक्शंस हैं कि मई का राशन राशन ऑफ एडवांस कर दो, तो हो सकता है हम नॉर्मली 5 मई से आगे राशन देना शुरू करते हैं, तो हो सकता है हम उससे पहले ही दे देंगे ईद को मद्देनजर मद्देनजर रखते रखते हुए। हुए, जी वो मई का भी, तो अप्रैल का तो हमने ऑलरेडी 95% खत्म कर दिया है। जी जो आपने बात कही थी शुरुआत में कि हमारी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं राशन जी टिकट्स को लेकर या जी राशन देने के लेकर, जी उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जिनको हम राशन देते हैं। एक है हमारे पास, ये सारी नफ्सा में 2 कैटेगरीज आती हैं, एक है वो बिल्कुल अंत्योदया स्कीम कहते हैं उसको, एएवाई कैटेगरी, जी उसमें हमारे पास इस वक्त टोटल जो राशन कार्ड हैं वैली में
उसमें हमारे राशन कार्ड हैं अंत्योदय, उसमें हमारे टोटल जो नफ्सा में राशन कार्ड हैं वो हमारे हैं 74,744,376, और इस पर जो सोल्स जिनको हम ये राशन देते हैं 30,86,862 लोगों को। उसके अलावा जो फिर नॉन नफ्सा हो गया जो पहले इसको कहते थे बीपीएल, उसको पीएचएच को कहते थे बीपीएल, एनपीएचएच को कहते थे अबो पॉवर्टी लाइन एपीएल, एपीएल तो एपीएल भी में भी हम इस वक्त जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो 15,59,000 16 लाख के करीब समझो हैं, तो उनको हम राशन मंथली दे रहे हैं जी। तो इसमें ये मुझे कहना है जो हम वो सब्सिडी, इसमें भी हालांकि सब्सिडी है जो अबो पॉवर्टी लाइन की, जो मार्केट रेट है 2500 रुपये, आप भी जानते हैं 2500 रुपये चावल का रेट है पर क्विंटल, जो हम अबो पॉवर्टी लाइन उनको भी हम 1500 के हिसाब से देते हैं, और जो हम उनको देते हैं जो सब्सिडाइज्ड हैं टोटल बिलो पॉवर्टी लाइन उनको हम 3 रुपये के हिसाब से यानी 300 रुपये के हिसाब से पर क्विंटल राशन दे रहे हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ है, सबसे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, कॉल ड्रॉप हो गया शायद। खैर, हम बात कर रहे थे जो आपने बात की, तीन कैटेगरीज में हम राशन देते हैं और सब्सिडाइज रेट्स पे एपीएल को भी मिलती है, उसके बाद 3 रुपए के हिसाब से बीपीएल कैटेगरी को मिलती है, और जो एवाईवाई है हाँ उनको क्या कैसे मिलता है? ये बेसिकली क्या है, उसमें भी 3 रुपए के हिसाब से मिलता है, मगर एवाई कार्ड जो है उसमें फिक्स्ड है, हम दे रहे हैं 35 किलो जी, चाहे उसमें फैमिली में एक बंदा हो, 4 हो 5 हो 10 हो, जो भी फैमिली साइज होगा 35 किलो उनको मिलेगा ही मिलेगा जी। अब जब 35 किलो उनको फ्री मिलते हैं, फ्री नहीं, 300 फ्री उनको डबल, वो उस पर बाद में आएंगे, हम उनको डबल देते हैं। पिछले जब से कोविड हो गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वो स्कीम जो है पीएमजी के एवाई, उसमें हम फ्री राशन भी देते हैं इसी के हिसाब से, अपना नॉर्मल कोटा के अलावा वो फ्री होता है। तो ये जो इनको 35 किलो मिलता है, ये इनको 105 रुपये का 35 किलो मिलता है 3 रुपये के हिसाब से जी। तो फिर इसकी दूसरी कैटेगरी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, वो हो गया पीएचएच कैटेगरी, उनको हम देते हैं 5 kgs पर सोल, मगर रेट सेम रहता है 3 रुपए के, यानी मान के चलते हैं अगर 5 बंदे हैं फैमिली में 25 किलो मिलेंगे, 2 बंदे होंगे 80 किलो मिलेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो एएवाई और बीपीएल, इसमें जो ये कैटेगराइज किया गया है कि वहां पर आप 35 किलो देते हैं चाहे एक बंदा हो या 10 बंदे हो, तो उनको 35 किलो में ही गुजारा करना है, हालांकि वो जो रकम है, देखिए इसमें आपने सही बात कही, नॉर्मली क्या है कि 10-15 किलो खाता है बंदा, तो नॉर्मली ये नहीं होता है कि एएवाई फैमिली में एक ही बंदा, ये सेल्डम होता है, शाज़ो नादिर ही कोई एक बंदा होगा फैमिली में, एएवाई फैमिली में 10 बंदे भी होते हैं। मसला क्या है कि 35 किलो क्यों मिलता है, क्योंकि वो जो कैटेगरी है वो टोटली मतलब मफलूक हॉल लोग होते हैं। अब उसके आगे जो कैटेगरी जिनको हम 5 किलो के हिसाब से पर सोल देते हैं, वो थोड़े से अर्निंग उनकी होती है, तो उनको इस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, वो जो है वो बिल्कुल गरीब मफलूकुल हाल लोग होते हैं, और उसमें और उनको और भी सुविधाएं होती हैं, मतलब कहीं पर एडमिशन का मसला हो, ये हो वो जी। आजकल जो हमारा पूरा सेटअप है वो सारा डिजिटल हो चुका है, डिजिटाइज हो चुका है। हर महीने गांठ मुंशी जी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आपको अपना राशन कार्ड जिंदा रखने के लिए हर महीने गांठ पे आके पंच करना पड़ेगा। सही, ठीक। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन टिकट है लेकिन वो चावल इस्तेमाल नहीं करते राशन गांठ का, लेकिन उनको पंच करने के लिए गांठ मुंशी बोलता है कि आपको आना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है कि अगर चावल ना भी ले तब भी एक कंज्यूमर को गांठ पे जाके, राशन गांठ पे जाके अपना पंच करवा के अपने राशन कार्ड को जिंदा रखना पड़ता है? नहीं, कहेगा अगर वो राशन लेता ही नहीं है तो पंच कैसे करना? अगर ऐसी कहीं पर शिकायत है जी, ये मैं नई बात सुन रहा हूं इधर, मतलब मैं भी तो दैट स्टोर कीपर इज लायबल टू पनिशमेंट अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि राशन लेने के बगैर पंच करना, ये मैं आवाम को आप की ये इस प्रोग्राम के वसादत से
बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसी शिकायत है तो उनको ये शिकायत फिलफोर हमारे एडी साहबान को देनी चाहिए, उस स्टोर कीपर के खिलाफ बिल्कुल करार वाकई सजा मिलेगी उसको, पनिशमेंट जो भी देनी होगी। ऐसा नहीं है कि राशन नहीं लेगा तो वो, हाँ ये बात मैं आपको कहूंगा, राशन तो आता है वहां से, वो राशन फिर हम अगले महीने उनको बैलेंस दिखाना, उतना राशन उनको कम मिलेगा। क्योंकि आजकल मैं आपको ये बताऊं, बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अब चूंकि आधार लिंक है इसके साथ, ईपीडीएस में राशन कार्ड के साथ, अब एक्यूरेट राशन आता है, जितने बंदे लाए हैं उतना ही आता है, ये पुराना जमाना नहीं है। ये जो आधार इसके साथ लिंक, इससे इतना इतनी शिफाफियत आ गई, आप नहीं मतलब हैरान होंगे कि जब ये सिस्टम हमारा अब 100% हुआ है तकरीबन, तो उससे पहले मान के चलते हैं, अगर मैं आज वैली का आता है 2.5 लाख रिक्वायरमेंट पर मंथ, पहले आता था 3,20,000, इसका मतलब 70,000 क्वाइंट राशन पता ही नहीं था, वो डबल डबल होता था, क्योंकि लिस्ट पर राशन देते थे। कोई इधर श्रीनगर में भी होता था उसका, उधर दूसरी जगह पर भी होता था राशन कार्ड, तो ये सारा साफ हो गया है। तो इसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट काबिल तारीफ जी। ये जो आपने बात छेड़ी है कि राशन कार्ड एक जगह पर से एक कंज्यूमर चावल लेता था और लेकिन उसका राशन टिकट कहीं और भी होता था, तो वो दो दो जगह से राशन लेता था। खैर आजकल जैसा कि आधार लिंक था, वो मत था आधार लिंक नहीं था, लेकिन अब तो राशन टिकट जो है वो सब आधार लिंक्ड है, आधार लिंक्ड है बिल्कुल। एक कंज्यूमर मेरी नजर में है जिनका राशन टिकट यहां का है, रहने वाले वो कहीं गांव के हैं लेकिन उनका वहां राशन कार्ड नहीं था, तो फाइनली उन्हें यहां से अपना राशन कार्ड बनवाया क्योंकि यहीं रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों उनको गार्ड मुंशी साहब ने कहा कि आपका जो आधार है ये आपके गांव के राशन कार्ड पर भी चढ़ाया गया है, दैट मीन्स कोई और उनके नाम से राशन ले रहा है। लेकिन जबकि ये कंज्यूमर जो है ये हर महीने अपने पंच करवा के अपना राशन लेता है, राशन लेने के बाद डबल डबल हो, डबल इनका मतलब ये डबल हो सकता है, गया है डबल। लेकिन अगर वो पंच यहां करते हैं, वहां गांव में पंच वो नहीं करते हैं, तो वहां का राशन कार्ड अभी तक जिंदा कैसे है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस पर ज्यादा राय इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आधार कार्ड पर सवाल आता है जी, आधार कार्ड पर, आधार कार्ड या आधार कार्ड के साथ वाबस्ता जो एहलकार लोग हैं या जो एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर सवाल आता है। मेरे ख्याल से आधार कार्ड जब भी लिंक होता है इसके साथ जी, तो हमारा क्या है कि सपोज मान के चलते हैं, जैसे आपने सही फरमाया, गांव में बंदा है रहता है श्रीनगर में है वो गांव का जी, अगर वो बिलफर्ज इधर राशन कार्ड लेना चाहता है तो पहले उसको हम वहां डिलीट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई शिकायत है, ये भी है, मुझे लगता है इंडिविजुअल बेस पर ही कोई ऐसा केस होगा, इसमें देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ब्रॉडर सेंस में कहा कि मैं उस पर नहीं आऊंगा आधार कार्ड पर, क्योंकि ये सवाल फिर आधार कार्ड पर खड़ा होता है ना, नेचुरली सी बात है जी। क्या अगर इधर आधार कार्ड उधर कैसे है वो, क्योंकि इस वक्त राशन आता ही है आधार कार्ड के हिसाब से, तो आधार डबल हो नहीं सकता, इसका जवाब शायद ये डिपार्टमेंट है जी देने के हक में। मान के चलिए कि मेरे पास राशन कार्ड है और मैं राशन नहीं लेता हूं, राशन कार्ड से मैं राशन नहीं लेता हूं, सही, जो राशन कार्ड मेरा है क्या ये थ्रू आउट ईयर बिना इस्तेमाल किए भी मेरा वैलिड रह सकता है? राशन कार्ड वैलिड रह सकता है मगर जो मंथली राशन आपका आता है वो लैपस हो जाता है, वो लैपस हो जाएगा, वो साथ साथ में लैपस होता जाएगा। मतलब अगर आप 3 महीने का एक साथ लेना चाहिए, पहले वो होता था, अब ऐसा नहीं, सवाल ही नहीं, क्योंकि जब भी आप राशन नहीं लोगे इस महीने की, इस राशन को हम नेक्स्ट महीने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उतना ही कम मांगेंगे। बिल्कुल सही। अब मेरे पास राशन कार्ड है, मैंने 8 महीने राशन कार्ड से राशन नहीं लिया, 9वें महीने मुझे लगा कि नहीं आज मैं इस महीने राशन कार्ड से राशन ले लूं, क्या मेरा राशन कार्ड एक्सेप्ट किया जाएगा? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राशन कार्ड वो नहीं है, मतलब रिन्यूअल इसका मंथ टू मंथ, मानस आप हैं राशन, आपको देना है राशन, या अब आपकी मर्जी है, आप सब्सिडाइज राशन खाएंगे या ओपन मार्केट का खाएंगे, कभी आपका दिल किया नहीं मैं अपनी राशन खाऊं, मुझे हक है, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं। मतलब हम ऐसे आप समझेंगे कि जो हमारा जितने हमारे सोल हैं राशन कार्ड में, जितने हमारे सोल हैं टोटलिटी में, उन सब के लिए हम महीने का पूरा राशन अवेलेबल रखते हैं,
फिर जब वो नहीं लेते हैं तो जितना जितने लोग नहीं लेते हैं वो बैलेंस चला जाता है, अगले साल फिर सारे सोनस के लिए अवेलेबल रहता है। यानी ये बंदा जिसने इस महीने नहीं लिया अवेलेबल है उसके लिए नेक्स्ट महीने में, वो जा सकता है तो ले सकता है जी, उसमें कोई प्रॉब्लम। एक शिकायत हमारे पास आई है, अभी प्रोग्राम जारी है तो लोग हमें देख रहे हैं, तो एक शिकायत हमारे पास आई है कि एक शख्स राशन घाट पे गए, राशन लिया, पंच किया और पंचिंग मशीन ने दिखाया कि आपने 290 रुपए पे करने हैं, ये पंचिंग मशीन ने दिखाया सही, लेकिन उस शख्स से 850 रुपए मांगे गए, तो इसके बारे में कुछ बताएं ये क्या हो सकता है। अगर पंच करके मशीन ने ये दिखाया कि सपोज 250 देने आपको 850 दिखाया, तो वहां वो स्टोर कीपर सीधा करप्शन में मुलव्वस है, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई केस ऐसा है तो आप हमारी नोट्स में लाइए, जैसे आपने एक स्पेसिफिक बात बोली जरा ये हमें आप बताइए, हम इसमें डेफिनेटली ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप शेयर आपके प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि ये जो अगर छोटी मोटी कहीं कोताहियां हो रही हैं इन्हें सॉर्ट आउट किया जाए और लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। अकबर साहब, राशन घाट आज भी बहुत सारे राशन घाट ऐसे हैं जो किराए की जगहों पर हैं, अब कुछ राशन घाट ऐसे हैं जो अब आपने डिपार्टमेंट ने खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं, सही, लेकिन आपके राशन घाट में आज भी बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, और आपको अपना पॉज मशीन जो आपका है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो डिवाइस है, उसको चार्ज करने के लिए पड़ोसी के घर जाना पड़ता है। अच्छा, अब जब आपने पड़ोसी के घर जाकर मशीन चार्ज कर ली, पड़ोसी जब चावल लेने आएगा वो अपने चावल तो लेके जाएगा, अब अगर उसने 10 किलो एक्स्ट्रा मांग ली, आप उसे मना कैसे करेंगे? ये आपका कहना सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, अभी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अलबत्त इसमें यह है कि इस साल हमने क्या किया, हम इनको थोड़ा सा इसमें कुछ सुविधा दे रहे हैं, किराए की जो दुकान है जहाँ पर नेट की तो प्रॉब्लम है नहीं इस वक्त, इस वक्त सारा काम मोबाइल बेस्ड है, तो लाइट का हम कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं इन्वर्टर शिन्वर्टर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम कर रहे हैं जहां जहां भी ये प्रॉब्लम, वैसे ज्यादा जगहों पर नहीं है, कहीं दूर दराज इलाकों में होगी प्रॉब्लम तो वहां पर हम देख रहे हैं उस चीज के। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है ये हम मानते हैं, वैसे ये स्टाफ भी हमारे पास कम है, एक एक गाठ मुंशी के पास चार चार गाठों का चार्ज है, वो पूरा हफ्ता एक ही जगह पे नहीं हो सकता बिकॉज उसको चार जगह सर्व करना है, इस चीज को कैसे लेता है? इसमें ये है कि इसमें हाल ही में हमने कोई हमारे डिपार्टमेंट में 500-700 लोगों की भर्ती हो गई, एक हमारा प्राइम मिनिस्टर जो पीएम पैकेज है माइग्रेंट्स के लिए, उसमें हमारे कोई 300 लोग आ गए, और जो हमारा एसआरबी में हमारी जो पोस्ट ने रेफर हुई थी उसमें से भी हमें कोई 700-800 लोग अभी आए और भी आने अभी हैं, मुझे लगता है इस पर हम ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। कुछ लोग राशन कार्ड लेकर बैठे हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो घर से बाहर निकलना जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो वो जब घर से बाहर नहीं आ पाते तो वो राशन के लिए किसी को बोल देते हैं कि हमारा राशन कार्ड लेके जाओ, लेकिन उन्हें राशन तो मिलेगा नहीं क्योंकि पंच तो उसी को करना है जिसका राशन नहीं, कार्ड नहीं, उसमें गवर्नमेंट ने एक सुविधा रखी है। जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। उसमें गवर्नमेंट ने एक नॉमिनेशन पॉलिसी वजह की है, उस पे उसका कोई नॉमिनी हो सकता है, नॉमिनी अगर अपना उसका कोई रिलेशन होगा, नजदीक बच्चा होगा बच्ची होगी तो वो नॉमिनेट कर सकता है उसको, तो वो ले सकता है, अगर वो भी नहीं फिर हमारा टीएसओ उसमें वो भी प्रोविजन है, वो उसका नॉमिनी बन सकता है, तो उसको वो घर पहुंचा देगा। दैट मीन्स जो जिस शख्स की राशन टिकट है अगर वो इस हालत में नहीं है कि वो राशन घाट जाकर राशन ले सके, वो अपने बदले किसी को नॉमिनी कर सकता है? नॉमिनी को ये नहीं, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? उसके लिए एक फॉर्म है, वो भरना है, वो उसको हमारा अकाउंट स्टोर कीपर साइन करता है, टीएसओ अकाउंट साइन करता है, तो बस उसी पर उसको मिलता है। अभी हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोगों को राशन देते हैं उसमें क्या क्या देते हैं चावल के अलावा? हमारा इस वक्त क्या है कि पहले हमारा डिपार्टमेंट देता था चावल, देता था क्या कहते हैं इसको, आटा देता था, चीनी देता था, कैरोसिन ऑयल देता था, और कुकिंग गैस भी अवेलेबल रखता था। अब इसमें ये हुआ है कि चीनी बंद की हम, बाकी आटा और राइस अभी भी हम दे रहे हैं जी, तो चीनी सिर्फ एक इसी ए वाई कैटेगरी को 1 किलो के हिसाब से पर फैमिली आता है जी,
वो हम दे रहे। कैरोसिन भी दिया करते थे पहले आप? कैरोसिन अभी भी दे रहे हैं। उसका क्या अभी क्या स्टैंडर्ड है? कैरोसिन की पॉलिसी अब चेंज हो गई थोड़ी सी। पहले हम कैरोसिन देते थे, एक था SRO 285 हमारा जी, तो उसके हिसाब से हमें देना था कैरोसिन 3 लीटर के हिसाब से इन्हीं नफ्सा में PHH को और AAY को। तो और अगर किसी MPHH वाले के पास गैस कनेक्शन नहीं होता तो उसको भी देना होता था। मगर उसमें क्या हुआ कि उस में एक गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रक्शन आया था, एक ऑर्डर आया था कि चूंकि जो फरवरी 2020 की बात या 19 की बात कि चूंकि कश्मीर में विंटर हॉर्श होता है तो इसमें सब लोगों को दिया जाए, एक ये। दूसरा उसमें ये था कि उसमें कुछ कोर्ट से भी डायरेक्शन थी, तो इस लिहाज से हम सबों को देते थे, जितना कोर्ट आता था फिर हम लोगों को देते थे। ये वैरी करता था श्रीनगर और बाकी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं कहीं पर लोगों को 4-5 लीटर भी मिलता था पर राशन टिकट, कहीं पर 3 भी, कहीं पर 2 भी। तो अब क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट इस पर देख रही है कि चूंकि अब इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी भी होती है क्योंकि उसमें इल्यूमिनेशन का भी था मतलब पर्पज, तो कुकिंग के लिए गैस भी है, तो कैरोसिन फ्री करना चाहते हैं गवर्नमेंट, खासकर मेजर टाउनशिप्स को। तो अब गवर्नमेंट ने एक नया SRO हाल ही में इजरा किया, SRO 108, तो उसके हिसाब से अब सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलना है, मतलब एंटायर वैली में एक मिलेगा PHH, इसको AAY कैटेगरी को, ये कैरोसिन ऑयल इस महीने से, अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो जो फिर हमारा होता है एक विंटर डंपिंग जोन्स और जो रास्ता बंद होता है मतलब गुरेज हो गया, गुरेज है, लद्दाख हो गया, लद्दाख, तो उनको मिलेगा सब कैटेगरी को। अच्छा, उनको मिल जाएगा। मिल जाए। आज से कुछ महीना पहले बात चली कि प्लास्टिक राइस मार्केट में आ गया, जो कि हालांकि न्यूट्रिशियस राइस सही कहा जाता सही, है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, सही फरमाया आपने, 5-6 महीने की बात है कि कुछ स्टोरों से ये इंकशाफ हुआ कि फोर्टिफाइड राइस, तो लोगों ने उस पर बड़ा शोर मचाया, ये क्या प्लास्टिक राइस है, ये लोगों को अब हेल्थ हैजार्ड है ये वो। तो फिर उसमें क्या हुआ कि जब हमने बेसिकली क्या है कि हमारा जो हमारा मतलब राइस जहाँ आता है FCI से जी, FCI जो है वो नोडल एजेंसी है, वो सिर्फ न सिर्फ हमको बल्कि जो यहाँ हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सपोज करके एजुकेशन में मिड डे मील्स है, इसी तरह से ICDS डिपार्टमेंट, वो छोटे बच्चों के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए गवर्नमेंट ने उनको जिम्मेवारी दी, वो भी राइस लेते हैं। तो ये जो फोर्टिफाइड राइस है ये बेसिकली ICDS स्कीम के लिए उन्होंने रखा था। इसमें ये हुआ है जब हमने इसमें फिर FCI वालों के साथ मसला उठाया तो बात ये सामने आई कि जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो ये कहीं पर मिक्स हुआ है जो ICDS के लिए चावल, तो कॉन्ट्रैक्टर जिस वक्त उन्होंने उठाया है तो ये फूड सप्लाई के चावल में चला गया, वो हमने फिर क्लियर कर दिया। हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जैसे आपने सही बताया वो सेहत उसमें ज्यादा वो बेहतर चावल थे, बिल्कुल बेहतर चावल थे, तो वही मसला था। वो फिर जहां जहां भी हमें अब लोगों के लिए हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो लोगों का सामान करने के लिए हमने तुरंत वो चावल फिर उठाया उन स्टोर से वापस जी, तो उनको उसके बदले एक्सचेंज में यही नॉर्मल वाला राइस ले लिया जी। पहले राशन कार्ड हासिल करना एक बहुत बड़ा इशू होता था फैमिलीज के लिए जी। आज अगर राशन कार्ड कोई हासिल करना चाहता है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, काफी सारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, सही, अब अगर आज की डेट पर कोई राशन कार्ड हासिल करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा और वो कैसे राशन कार्ड लीगली हासिल कर सकता है? हमारा इसमें बेसिक यूनिट होता है TSO, जिसके पास पासवर्ड, क्योंकि आज हम ऑनलाइन पास ये राशन कार्ड के मतलब मैं आपको ये बताऊंगा, पहले वो एक बुक टाइप राशन कार्ड होता था हाथ में, तो द डिपार्टमेंट हैज नाउ डन अवे विद दैट राशन कार्ड, हमारा अब ये होता है ई टिकट होता है, तो उसी को नाजरीन जिस जिसको भी राशन कार्ड लेना होगा अपनी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए, वो उसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, लेमिनेट कर सकते हैं, तो उनका पर्पज सॉल्व करेगा। तो राशन कार्ड के लिए हमारा TSO बेसिक यूनिट है, उसको TSO के पास जाना है, उसको उसको अपने आधार और अपना होम एड्रेस देना है, फिर वो वेरिफिकेशन करेंगे किस कैटेगरी में इसका उसका एक लगा हुआ बाज़ाबता, इसकी आमदनी क्या है, ये क्या काम करता है, तो उस हिसाब से उसको राशन कार्ड मिलेगा।
अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम होगा तो डेफिनेटली, या कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा या कोई लैंड लॉर्ड होगा तो उसको एनपीएच कैटेगरी में राशन कार्ड बोल सकता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं नहीं है। है। अपने अपना और अपनी फैमिली के आधार देने और रेजिडेंशियल प्रूफ देना, तो आधार कार्ड वो आसानी से ऑनलाइन करवा सकता है अपनी इंफॉर्मेशन, तो वो विद इन आई थिंक विद इन अ डे ही कैन गेट इट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकबर साहब, जैसा कि आपने कहा कि राशन जो हमें मौसूल होता है एफसीआई से वो आधार कार्ड्स पे होता है, आधार कार्ड जितने जी हमारे, जी जी क्या ये वो आधार कार्ड हैं जो आज की डेट में हमारे पास हैं, या ये वो सेंसस है जो 2011 में हुआ था उसके मुताबिक हमें चावल मिलते हैं? नहीं, असल में क्या है, हमारा एक टारगेट है, जी टारगेट ये है, जैसे आपने सेंसस 2011 की बात की, पहले हम चले थे उस पर, अब 2021 भी हो गए, 10 साल में बच्चे आ गए, मगर कंकरेंटली डेथ्स भी होती हैं ऑल द मोर, ये शायद तकरीबन मतलब ज्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ती ही है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि 1 लाख लोग दिन में मरते हैं तो 1 लाख एक पैदा होते हैं, यानी एक ही की कहते थे कि एक दिन में एक की ये आबादी, आज ऐसा नहीं, आबादी बहुत मैनीफोल्ड बढ़ रही है। बिल्कुल तो अब यह है कि हमारा फिर 2016-17 में गवर्नमेंट ने एक रिवाइज टारगेट दे दिया, रिवाइज टारगेट्स में हम इनको भी कवर कर रहे हैं, 10 साल के बच्चे भी जो है वो भी आधार कार्ड पर हम अपडेट करते, उनके आधार कार्ड भी हम राशन कार्ड पर अपडेट करते हैं, ईपीडीएस के साथ कनेक्ट करते हैं, जी, उनको भी राशन मिलता है। मिनिमम क्या एज होनी चाहिए एक बच्चे की जिसे दस दस साल जिसे हम राशन कार्ड पे चढ़ा दस सकते हैं? साल अब 10 साल से कम जो बच्चे हैं नहीं, उनका उनके लिए नहीं, चावल तो वो भी खाते हैं? चावल खाते हैं मगर सिक्की में ऐसा कुछ नहीं रिवाइज, हालांकि होना ही चाहिए था, तो जहां पर हमें गुंजाइश लगती है वहां पर वो भी अकोमोडेट करते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नाजिन से हम कहना चाहेंगे कि जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के जॉइंट डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अकबर भट्ट साहब से, जो कि केएस ऑफिसर हैं, उनसे बात हो रही है कि किस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है और क्या क्या काम हो रहा है, इस पर बात हो रही है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर कोई शख्स जो घर से बाहर नहीं आ सकता, इकलौता इंसान है, अकेला इंसान है, राशन कार्ड होल्डर है, घर से बाहर आने की हालत में नहीं है, तो वो राशन कैसे ले सकता है? तो अकबर साहब ने कहा कि वो खुद एक किसी भी अपने किसी जानने वाले को नॉमिनी बना के वहां से चावल हासिल कर सकता है, लेकिन उस शख्स को नॉमिनी बनाने के लिए जो फॉर्म उसने भरना है उस पर जो हम थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे अकबर साहब से कि एक शख्स जो है जो बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने की हालत में नहीं है, अकेला इकलौता है, फैमिली में कोई नहीं है आगे पीछे, उस शख्स ने अब चावल हासिल करने हैं तो नॉमिनी कोई किसी को बनाना है, वो जिसे नॉमिनी बनाना चाहता है क्या उसे नॉमिनी बनाने के लिए उसे दफ्तर तक आना पड़ेगा? खुद को जी ना 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 नॉमिनी आएगा ना, उसका फॉर्म लेगा, फिर उसे लेगा वहां पर, मतलब ये एक्सट्रीम ऐसी सिचुएशन है कि जहां बंदा मुंह ही नहीं कर सकता है पर खाना तो है उसको, जी इसलिए जिस पर वो ट्रस्ट डिपोज कर रहा है वही बंदा आएगा, उसका नाम उस पर लिखा जाएगा, फिर हमारा बंदा वहां वेरीफाई करेगा तो उसको अटेस्ट करके करेगा। जी हालांकि आज फोन कॉल्स नहीं आ पा रही हैं, लोग बात करना चाहते हैं लेकिन हमारी फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, किसी खराबी की वजह से हम तक कॉल्स नहीं आ रही हैं, लेकिन हम नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने भी जहन में सवाल हैं वो सवाल हम अकबर साहब से पूछने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जवाब हासिल कर रहे हैं। अकबर साहब, क्वालिटी जो होती है हमारे फूड एंड सप्लाईज की, राशन की, वो मॉनिटर कैसे की जाती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, क्वालिटी समझो चेक होके आती है एफसीआई से, क्योंकि हमारा अपना कोई हमारे पास क्वालिटी टू राइस ही आता है, मेरे जी कहने का ये मतलब है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, मगर बेशक एफसीआई के पास है, वो जो भी राशन हमें बेचते हैं वो ऑलरेडी क्वालिटी वाइज चेकड होता है, और जहाँ कहीं पर भी सब्सिटेंडर्ड राशन अवेलेबल होने की शिकायत आती है, उसकी बेसिक वजूहत ये होती हैं कि जो राशन, चूंकि एक बहुत बड़ा काम है राशन को ट्रांसफर करना, गाड़ियों से स्टोर में डंप करना, फिर वहां से उठाना, फिर सेल सेंटर तक पहुंचाना,
नीचे राशन गिरता है या कहीं पर कोई बोरी हुई करती है, वो राशन अगर कहीं पर ये होता है कि उसको ट्रीट करने के बगैर बोरियों में भर दिया जाए, मतलब जो अंडर रूल्स नहीं है, वहाँ पर शिकायत अगर आएगी तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर एफसीआई वालों से ही उस चावल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उनके एक्सपर्ट्स को मतलब उनसे वो उसका चेक करते हैं, फिर जो भी करना होता है वो उसको साफ सफाई करके ठीक करते हैं। अदरवाइज जो राशन आता है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा राशन आता है, पुराना वो राशन नहीं है जो 30-35 साल पहले राशन आता था। बेशक आज राशन जो होता बिल्कुल ठीक। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि टेक्निकली जितना राशन मतलब 4-5 साल तक की बात है, पीछे जाएंगे हम, जितना पुराना राशन होगा उतना वो कहते हैं वो सबसे वो अच्छा अच्छा होता होता है, है। वो अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, हर महीने वो गाँठ पर नहीं जा पाते हैं राशन लेने के लिए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई शख्स एडवांस में, मान लीजिए आज राशन लेना चाहता है, वो कहता है कि मुझे 2 महीने का राशन दे दीजिए, मैं 2 महीने नहीं आऊंगा गाँठ पर, या 3 महीने का राशन दीजिए, मैं 3 महीने गाँठ पर नहीं आऊंगा। कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि लोगों को हम राहत पहुंचाने के लिए उन्हें ये सहूलियत दे सकें? देखो उसी स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त किया, पहले होता था, मैंने आपको शायद याद होगा अभी मैंने आपको बताया कि पहले अगर कोई राशन नहीं उठाता था 2-3 महीने 3 महीने वो के बाद उठाता था। उठाता था, मगर उसमें क्या था, उसी में पिलफरेज का सबसे बड़ा चांस रहता था, ये क्या कहते हैं इसको, मिस यूज ऑफ राइस होता था, लोग उसी में करप्शन करते थे, शॉर्टेज करते थे। तो चूंकि ट्रांसपेरेंसी का जमाना है इसलिए मंथ टू मंथ की बेस पर ही अब राशन आता है, आएगा नहीं राशन अलावा, उतना ही आएगा जितनी रिक्वायरमेंट है जितना जितनी डिजिटलाइजेशन हो गई होगी। जी, इस साल अगर 100 करोड़ और चढ़ेगा उनका, मतलब 100 सोल्स और चढ़ेंगे अगले महीने उनका राशन आएगा। ये नहीं है कि ऐसे ही हम कहेंगे कि इतना राशन भेज दो, जिसमें कोई बंदा, मतलब जैसे अब से ही कहते हैं, ये नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल होगा या तकरीबन 30% लोग वर्क क्लास हैं, फिर सब इसी अंदाज से कहेंगे कि हम 2 महीने का, फिर एक महीने हमें डबल राशन लाना है दूसरे महीने, तो ये सिस्टम के बाहर जाता है मसला, जी रमजान का महीना चल ये रहा है, उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना। जी हाँ रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में और अब आने वाली ईद के मौके पर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? हमारी इस वक्त फोकस है एक, लोगों को राशन, हम जैसे मैंने कहा हम शायद मे का भी एडवांस करें, हमारा ये इस वक्त हम रेट्स अपने एनफोर्स करवाना चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलनी चाहिए, खासकर मटन का तो आपने कहा, जितना हमसे हो सकता है या ऐसे ही यहाँ पर लोग मटन के बगैर चिकन का बहुत ज्यादा चिकन का इस्तेमाल इस्तेमाल करते होता है। हैं। आपको याद होगा, मतलब मुझे साथ भी हैं, कागज 15 दिन में ही, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमने रेट को रिवाइज किया, 152 हमने रेट किया था, तब ये 160 170 बेच रहे थे, मतलब महंगा ही था, हालांकि वो जस्टिफाई कर रहे थे कि हम वो खश करके वो 5-7 रुपया लेते हैं उसमें। तो हमने जो ही मार्केट में हमें लगा कि ट्रेंड है नीचे डाउनवर्ड्स, तो हमने तुरंत 130 कर दिया, जी मतलब हम रेट भी साथ साथ, इस तरह हमने फ्रूट जो, हाँ फ्रूट का ये है, फ्रूट में ज़्यादा शिकायत है कि महंगा है, मगर जहाँ तक होलसेलर्स का ताल्लुक है, जब हमने उनकी रेट्स को चेक किया तो बाहर से महंगा आता था, फिर भी हमने रेट रिवाइज करके उसमें जितना भी उनको मुनाफा रखना था 4-5% उतना ही रखा, तो बाकी उसको भी कंट्रोल में रखा, सब्जियों की भी हमने रेट चेंज की। इसी तरह कर्ड है या ये क्या कहते हैं पनीर है, जो जरूरियात हैं इस वक्त माह मुबारक में ज्यादा, इन पर हमारी कड़ी निगाह है, रेट्स भी फिक्स किए हैं, और मार्केट में न सिर्फ शहर श्रीनगर में बल्कि कश्मीर वैली के कोने कोने में तमाम जिले जात में इस वक्त हम एनफोर्स कर रहे हैं रेट। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताऊंगा कि इसी महीने हमने करीबन करीबन सारी वैली में करीबन करीबन 8 लाख एक जुर्माना लगाया, जिन लोगों को हमने खिलाफ वर्जी करते हुए पाया, और इसी तरह से हमने पूरी वैली में हमने करीबन 44 ऐसे ट्रेडर्स को सील कर दिया, दुकान जो मैं आपको कहता था 15 दिन 20 दिन फिर बंद रहता है, और उसके बाद भी हम उसको हैवी जुर्माना
लगा दे, बहुत नुकसान हो जाता है उसका। तो श्रीनगर में हमने पिछले ही दिनों में 23 दुकानें सीज की। तो ये इस वक्त हमारा यही फोकस है, ईद के बड़े दिन, बड़ा दिन भी आने वाला है, शब कदर का ईद भी है। तो फिलहाल हम राउंड क्लॉक एक ये चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी रहे, और दूसरा ये कि मार्केट में हमारे रेट्स एनफोर्स हों और लोगों को राहत मिले। अकबर साहब, आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ। श्योर, जो रेट्स गवर्नमेंट एनफोर्स करती है, अगर आप बहस्त कंज्यूमर मार्केट जाते हैं, क्या आपने कभी उस रेट पर सामान हासिल किया? हाँ बिल्कुल किया जी, और कंज्यूमर बन के, ये नहीं कि मैं एज फूड सप्लाईज का कोई ऑफिसर बन के जाऊंगा, किसी को डराऊ धमकाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं जिनको, जो रेट्स को बिल्कुल इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये है इक्का दुक्का, जखीरा अंदोज होते हैं इक्का दुक्का। बाकी मुझे लगता है अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा तालमेल है कंज्यूमर और ट्रेडर के दरमियान, ऐसा तालमेल है। वो नहीं है कि हम कहेंगे कि 100% ही ग्राम बाजार, या ऐसा नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट रेट्स, गवर्नमेंट रेट्स भी इंप्लीमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन कई कई जगह, जैसे आपने भी, हम कह रहे थे मटन की हम बात करेंगे जी, ये मटन जैसे आपने कॉल्ट की बात की, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मटन लाया जो वाकई में 300 भी महंगा है, वो उन्होंने 535 के हिसाब से, मगर उसमें फिर हमारा एनफोर्समेंट जाता है, उन पर कदगन लगाता है, उनको जुर्माना। डिपार्टमेंट की लिमिटेशन है, मैंने जैसे पहले ही बताया, स्टाफ थोड़ा सा कम है, उस वजह से करेगा क्या, ह्यूमन ही है सब, कम स्टाफ क्या करेगा। मतलब हमारे श्रीनगर की ही बात करेंगे, सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं, स्टाफ पूछता नहीं पूरी जगहों पर। अब ये सीधी सी बात है, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान है, उनको अगर खौफ खुदा होगा वो ये भी देखेंगे कि हमें इन लोगों को, जिन हालात से हम जूझ भी रहे हैं जी, तो इसमें लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, राहत पहुंचानी चाहिए, वो उनको अपने तक है, ये जमीर की बात है। आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो हम अक्सर दुकानों पे देखते थे आपका इजरा किया हुआ राशन कार्ड, वो ना सॉरी रेट कार्ड होता था, रेट लिस्ट लिखा होता था, तो वो देखने को मिलता था, और कंज्यूमर कहीं ना कहीं बात करता था तो वो उसकी रेफरेंस देता था कि इस पे तो इतना ही लिखा है, तुम इतना कितना कैसे बोल सकते हो। लेकिन आज हम वो राशन का जो वो रेट कार्ड है वो देखने को नहीं मिलता। जहां पर भी हमें मिलता है कि नहीं लगा हुआ, वहां पर इसके लिए एक अलग सेक्शन है जी, वहीं पर उसको एक्शन करते हैं, जहां पर भी हमारी टीम उसको ये, या मतलब ज्यूरिंग एनफोर्समेंट, या अगर उसके बगैर, जैसे आपने सही फरमाया, मैं यहाँ से जाके एक सर्कुलर इंस्ट्रक्शन भी हम निकालेंगे तमाम दुकानदारों को, क्योंकि फिर हम एनमास इन पर चढ़ाई करेंगे, हम इनको एक अपील अखबार में निकालेंगे कि रेट लिस्ट आप लगा के रखो, अदरवाइज हमारी टीम कर दिए, जिसमें स्टाफ कम है उस वजह से पूछते नहीं हर जगह। अब आपने ये कहा कि कहीं पर भी नहीं दिख रहा है तो इसमें हम देख लेंगे। जो रेट कार्ड आजकल इशू होते हैं, आजकल रेट कार्ड बनता है? हाँ हाँ, रेट रेट बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ ना, रेट्स हमने ताजा ही, हमने रेट्स ये इसी महीने हमने रेट्स ना, ये 2-4 रेट्स हैं, ये हमारा फिक्सेशन है फूड आइटम्स का। इसमें हाँ, इसमें हमने टी स्टॉल्स की भी रेट कर ली, इसी तरह से हमने पोल्ट्री की, ये ताजा रेट है, ये है मुझे लगता है हमने कब की है, 21-4 की, 21-4 की हमने पोल्ट्री को, इसी तरह से ये सारी रेट्स मुझे साथ हैं जी। तो यही रेट्स उनको, ये क्या कहते हैं, इनको डिस्प्ले करनी चाहिए अपनी दुकानों पर, इसके अलावा और कोई रेट लिस्ट वैलिड नहीं है। दुकानदारों के पास रेट कार्ड होना चाहिए, और बहुत जगह होता भी है और बहुत जगह नहीं होता। खैर, जैसा कि आपने कहा कि उस पर आप कार्रवाई करेंगे डेफिनेटली, लेकिन आज हम देखते हैं मार्केट में दुकानदारों से ज्यादा आजकल रेडी फरोश होते हैं, जो रेडियो पे सामान बेचते हैं, उनके पास कोई रेट कार्ड नहीं होता, तो वहां पर आप रेट कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे? नहीं, उनको भी मतलब जैसे वो दुकानदार बेचता है वैसे वो भी इससे नफा कमाते हैं, वो भी कहीं से खरीदते हैं, नेचुरली उनको बिल प्लस हमारा रेट कार्ड होना चाहिए। क्या होता है कि वो कहते हैं बिल, हमने उनको कहा आप होलसेल की बिल अगर महंगा बेचते हैं, कि वो कहते हैं होलसेल, मैं जरा प्रिंटेड बिल दे दो उनकी, तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये नहीं है कि उनको नहीं लगाना चाहिए, उनके पास भी रेट कार्ड हमारा होना चाहिए। अकबर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमने मटन की रेट्स फिक्स कर दी, हमने चिकन की रेट फिक्स कर दी, पोल्ट्री आइटम्स की रेट फिक्स कर दी, इसके अलावा डिपार्टमेंट के पास क्या इख्तियार हैं, किस किस चीज की रेट हम फिक्स कर सकते हैं?
फूड एसेंशियल सप्लाईज। हाँ एसेंशियल कमोडिटीज की रेट्स को फिक्स करने का डोमेन हमारे पास है जो भी हैं खाने पीने के हवाले से। जी इसके बाद आता है हमारा रेट्स आती हैं बाकी चीज़ों की, उसमें हमारा ये है कि उसमें रेट मतलब जैसे क्लोथिंग की है, जी जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मेरे ख्याल से आपका रेफरेंस वहीं पर है, जी तो उसमें हमारा उसके लिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो रेट फिक्स करते हैं। जहाँ तक ये इसमें हम देख रहे हैं, हमने ये मसला उठाया क्योंकि हमें इसमें गवर्नर्स ग्रीवियंस सेल से एक दो ये ग्रीवियंस आई थी, तो हमने कहा क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का नाम ही है फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, अफेयर्स, यस कंज्यूमर अफेयर्स हमारा एक बहुत बड़ा मैंडेट है, जी तो उसमें हम देख रहे हैं ये सर्विसेज में आता है, जैसे हमारे बिल्कुल। क्लोथिंग है ये मैं कमोडिटीज वहीं में की ये तरफ आपको लेके सर्विसेज, जाना चाहता हाँ था। ये सर्विसेज में आ रहा है। मैं आपको फिलहाल टेलरिंग की ही बात जी करूंगा, टेलरिंग के हवाले से हम हमें बड़ा कंसर्न है, जी हम कहते हैं ये कहीं ना कहीं पर इसमें, क्योंकि एक टेलर जो होता है एक स्किल्ड लेबर होता है, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अगर हम हमारा जो दिन का दिहाड़ी, हालांकि गवर्नमेंट रेट बहुत कम है 225, अगर हम ये कहते हैं 500 रुपये रखेंगे या हम इसको किसको अनस्किल्ड लेबर को जी मान के 1000 रुपया कमाए, वो 1500 कमाए, मगर ऐसा नहीं है कि ऐसी भी हमारे पास शिकायत आई कि वो इतने रेट्स फिक्स किए हुए हैं, हालांकि एक ये जो है टेलर वो 5000 6000 पर भी जा सकते हैं दिन को, तो इसमें देखने की जरूरत है। हमने दो तीन डिपार्टमेंट्स के साथ उठाया है और हमने ये जो टेलर है इनको भी बुला कर लाया, उन्होंने कहा हमने इनको कहा आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना, फिर हम एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जो बेसिक कपड़े हैं बहुत हमें इंपॉर्टेंट है उसका। हाँ बहुत जरूरी है। मैंने कहा हमने कहा ये कि ये हम जरूरी नहीं डिजाइनर है, वेयर की बात नहीं करेंगे, हम हम एक डिजाइन वेयर की नॉर्मल बात नहीं कमीज कर सलवार रहे, हम की ये बात। नॉर्मल वेयर है, जी नॉर्मल वेयर के लिए कोई ना रेट फिक्स होना चाहिए, डिजाइन वेयर जहां तक ताल्लुक है वो अल्टीमेट विल होता है कस्टमर का, कस्टमर एंड वो द इनके सर्विस प्रोवाइडर। दरमियान है, जी उसमें हम नहीं जाएंगे, मगर जो बेसिक है बेसिक का रेट बहरहाल कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं पर फिक्स फिक्स होना होना चाहिए। चाहिए। मुझे लगता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए एज हैविंग देयर मैंडेट ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, इस पर अदरवाइज ये सर्विसेज है जी ये वो नहीं है। कंज्यूमर्स अफेयर्स की बात जहां पर आती है, तो वहां पर ये हमने बात छेड़ी, जैसे टेलरिंग का मामला है कि एक आम इंसान कमीज शलवार सिलवाना चाहता है, सही एक बात टेलर उससे 500 रुपए मांगता है, दूसरा उसी चीज के 250 मांगता है और तीसरा उसी चीज के 1000 रुपए मांगता है। बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं इस चीज का कहीं एक एवरेज रेट होता तो वही कहीं हाँ कस्टमर कहीं भी जाए तो उसे मालूम है कि इसका रेट फिक्स है नहीं गवर्नमेंट की ये तरफ करना से। बहुत जरूरी है, ये करना मुझे एक लगता है तो ये करना ये बहुत है, जरूरी है। हाँ दूसरा एक मामला है जो बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है। हम शेव बनवाने जाते हैं, हालांकि आप और मैं तो दाढ़ी वाले हैं, हमारी शेव तो बनती नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी दाढ़ी सेट करने के लिए हम भी चले सही जाते हैं, बाल सही कटवाते बात हैं। एक दुकान पर हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर बाल कटवाने के रेट जो होता है वो 500 रुपये होता है और दूसरी जगह पर 50 रुपये होता है। इसमें क्या इसके है, बारे में कुछ हाँ बताएं। इसके बारे में बताऊंगा, ये दो टाइप के ये हमारे चल रहे हैं इस में ना जी इस ट्रेड में, एक है सैलून दूसरा है बार्बर जी शॉप। सबसे पहले मैं यहां पर आपको रोकूंगा, आप सैलून किसको कहेंगे, बार्बर किसको नहीं मैं कहेंगे, वही इस पर कहूँ थोड़ा मैं बताएं। वही कहूँ मैं वही वही मैं उसी की जी ये प्लीज। यही इन्होंने ये जो हमारे पास लोग आ रहे हैं इसका रेट हम फिक्स कर रहे हैं, जी हमने ऑफ लेट ही इसकी रेट फिक्स है 2-3 महीने पहले की, क्योंकि सोसाइटी में हमेशा 3 जनरेशन रहती हैं, जी एक तो हम लोग जो अब नेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ मूव करने जा रहे हैं, एक अल्लाह ही है, जिंदगी एक दे, जवान है एक एक बच्चे बच्चे, हैं। ये 3 जनरेशन हमेशा रही है, जी एक जनरेशन बीच वाली जनरेशन जो है चूंकि जैसे हमने अभी कपड़ों के हवाले से की है डिजाइन वगैरह की, तो उनका वो होता है कि ये इनके बाल बनाने का एक अलग अंदाज अलग अंदाज, होता है। इनकी दाढ़ी बनाने का अलग अंदाज, तो ये वो बाकी चीजें वो मसाज होता है वो फिर वो और चीजें होती हैं, तो इसके लिए बहरहाल ये समझिए ये इन वे उस पर इतलाक नहीं होता जो हम आम लोग शेव नॉर्मल बाल और कटिंग जो होती है। नॉर्मल बाल के लिए हमने जो रेट फिक्स किया मुझे लगता है वो नॉर्मल ही है, जी क्योंकि मैं भी जाता हूँ वो उधर उतना ज्यादा नहीं है, अलबत्त ये जो दूसरा वाला मामला है इसमें ये 500 वाली बात है 1000 वाली बात है। आप मुझे एक दिन जम्मू में मेरा बेटा गया छोटा था तब जी वो उधर गांधीनगर में बाल कटवाने के लिए, उसको क्या पता था उसने 100 रुपये लेके गए थे,
जब उसको 950 बिल उसके पास थी नहीं बिल, उसने कोई जेब में हाथ टटोल के कहा कि मैं मुझे इतने पैसे में इससे एटीएम से आऊंगा, जो मुख्य लोग हमारे मुकाबले में ज़्यादा भरोसा, कहा ठीक है जाओ। तो वो सीधे आ गया, तो वहाँ से घर आया, फिर वहाँ से उस दुकान से कभी नहीं गया वापस। जी मतलब ये मेरे कहने का मतलब है, रेट उसी सिलसिले में ज़्यादा होता है हाँ, एक जो हमारी बीच वाली जनरेशन है ना, बिल्कुल नॉर्मल जो एक जो मैंने कहा था, जो उन्होंने वो सैलून टाइप उसमें वो उन्होंने पिक्स विक्स लगाई होती हैं, थोड़ी सी सुविधा भी होती है, थ्रेडिंग करनी होती है, जी बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मगर फिर भी उतना नहीं होता उसमें हमारा। हमने उसमें भी शायद कुछ रेट, मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें भी कुछ रेट फिक्स किया हुआ है, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी तो मुझे लगता है अभी ईद तक मैं नहीं कर पाऊंगा, ईद के ईद के बाद बाद ही इंशाल्लाह होगा उन पर हम क्योंकि एक एक छुट्टियां। रेट का, दूसरा ईद के बाद हम उन पर रेट भी डालेंगे एनफोर्समेंट हमारा, ईद तक शायद पॉसिबल नहीं है नहीं, क्योंकि क्योंकि अब यहाँ छुट्टियां भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी कम चीजें, अभी आने वाले ही दिन रह अभी गए। कुछ ही दिन रह गए हैं। इन दिनों में अगर कहीं पर किसी भी कंज्यूमर को कोई भी शिकायत है, कहीं पर वो देखता है कि रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो एनफोर्स नहीं हुई है या वो एप्लीकेबल नहीं है, तो वो शिकायत के लिए कहाँ जाए? उसको शिकायत के लिए हमारे पास डायरेक्टरेट में भी वो आ सकता है, हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी वो कर सकता है, हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर भी है, मेरा वो डायरेक्टर साहब का नंबर हमने भी वो भी पब्लिक डोमेन में ईमेल में रखा, इस वेबसाइट पर भी रखा हुआ है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर्स के पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वो शिकायत कर सकता है और शिकायत का फिर फौर इजाला होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टाइम लगे, इसके लिए हमारा एक अलग ही सेक्शन बैठी हुई है डायरेक्टरेट में, जो जी ये दो तीन सेक्शन बैठी हुई है, एक तो हो गई जो अपने बाहर से ग्रीवेंस आती हैं जी उनको देखने के लिए, सपोज मान के चलते हैं गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल है या गवर्नमेंट से आती है या सेक्रेटरी से आती है, दूसरा है हमारा जो अपना मैक इंटरनल इंटरनल जो हमें ग्रीवेंस आती है उसके लिए हमें अलग ही सेल लगी हुई है, जी तो ऑफिसर्स भी अवेलेबल होते हैं ये जो हमारा टोल उसमें, फ्री नंबर चलता है, ये हमारा यहाँ चलता है या ये बाहर नेशनल लेवल पे चलता है? ये नेशनल लेवल पर चलता है, नेशनल लेवल पर तो ये 24x7 काम करता है? 24x7 नहीं करते हैं काम, जी ये करते हैं 10 से 6 तक काम फ्री नंबर, तो दैट मीन्स अगर किसी को भी कोई भी शिकायत हो तो दस से वो छः 10 से 6 के दरमियान इन नंबरात पे कॉल कर सकता दस है। से तो ये नंबर्स अवेलेबल आपकी वेबसाइट पर हैं? हाँ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल, उनको सीधे से क्लिक करना है उस पर वे नंबर सारे अवेलेबल है। जी यहाँ नाजिन को बताना चाहेंगे कि आप जब भी कहीं कोई शिकायत देखते हैं, आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई भी इशू है फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट रिलेटेड, तो आप इमीडिएटली कुछ ना करें, अपना मोबाइल फोन खोलें, गूगल से सर्च करें बिल्कुल डिपार्टमेंट को, और जो ही आप डिपार्टमेंट सर्च करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन निकलता है कॉन्टैक्ट अस, वहां से आपको नंबर्स मिल सकते हैं या फिर गूगल वैसे ही नंबर्स आपको डिस्प्ले कर सकता है। उन नंबर पर कॉल करके आप अपनी जो शिकायत है उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अकबर साहब, अगर एक शिकायत रजिस्टर होती है डिपार्टमेंट में, इस शिकायत पर कितनी देर पे जो है अमल की जाती है या इस पर कितनी देर में एक्शन किया जाता है? शिकायत इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंप्लेंट या जो भी शिकायत हो, जी सपोज मान के चलते हैं अगर ये राशन कार्ड के हवाले से शिकायत है तो उसमें एक दो दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि मान के चलते हैं अभी कोई कहता है मेरा राशन कार्ड निषाद से ट्रांसफ़र करना था, मैं रहने गया हूँ हैदरपुरा, तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने इतना टाइम लगाया उसमें, तो उसमें क्या है उनको उसमें यह है कि उसमें एक दो प्रोसेसेस होते हैं, पहले उधर से डिलीट करना है तक, क्योंकि शिकायत वो करता है इसका मतलब तब तक हुआ नहीं है, अब उसको करके देना है, उसकी ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है, उसमें 2-3 दिन तो लग ही सकते हैं, क्योंकि पहले उधर डिलीट करना है, जी फिर इधर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके इधर अपलोड करना है, इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। तो जहाँ तक और शिकायत का ताल्लुक है, सब उस मुलाजिम के खिलाफ होगी शिकायत इसने की, तो उसमें फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है तो उसमें एक प्रोसीजर होता है, अगर शिकायत को सही पाए तो उसको सस्पेंशन का फेस करना पड़ता है, तो उसमें इंक्वायरी होती है, उसमें 2-3 दिन तो लग ही लगते जाते हैं हैं, तो अल्टीमेटली ग्रीवियंस रिड्रेस हल होती है। कर रिड्रेस भी होती है, और इसके पीछे हम लगे हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी का जमाना है इस वक्त, वो कोई नहीं है इस वक्त, जो भी ग्रीवेंस आती है तुरंत एड्रेस हो जाती है। राशन गार्ड पे जो राशन आता है,
इसका कोई मखसूस दिन नहीं होता है कि ये ना, इसी दिन आएगा। नहीं, कोई मकसूद 5 तारीख से आप 30 31 जो तारीख महीना तक हुआ कभी भी आ सकता कभी है। भी आ सकते, ले सकते हैं। और मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा कि बहुत सारी जगहों पे जो चार मैन पांच पावर चार कम है, पांच दिन का ये जो बीच वाला वक्त है, ये होता है अकाउंट क्लियरेंस बिल्कुल के सही लिए, पिछले बिल्कुल सही, महीने का ये वो ये वक्त। राशन गांठ पे आएगा इस महीने की किसी भी तारीख को, 5 के बाद 31 से पहले। ये जो 5 से 31 तक का टाइम है, तकरीबन 25 दिन का समय है, इन 25 दिनों में ये जो एक गांठ मुंशी हमारे हैं, इनके पास 4 गांठों के, राशन गांठ के चार्ज हैं, तो इन्हें 4 जगह सर्व करना है। अब अगर ये आज मान लीजिए ए गांठ पर हैं और बी गांठ पे एक बुजुर्ग गए हैं चावल लेने के लिए, वहां गांठ पे मुंशी जी नहीं है क्योंकि वो ए पर आज सर्विस दे रहे हैं, तो ये शख्स कैसे अपने मैं आप। आपको बताऊंगा जी इसमें, वी आर बोथ सन्स ऑफ द सॉइल। ये जो है ना इनका कल्चर, ये इनको पता होता है। स्टोर कीपर, अब ये उनका समझो घर का फैमिली मेंबर होता है, इन्होंने उनको अपना टाइम रखा होता है, आज मैं इस गार्ड पर दूंगा कल उस पर, उनको भी पता होता है, जी रैशनिस को भी पता होता है। कहीं कहीं पर कोई होगा जो इनफॉर्मड होगा, उसको प्रॉब्लम, अदरवाइज ये पता होगा, क्योंकि ये जैसे हम कहते हैं राज, ये डिपार्ट 1931 से इधर चल रहा है, ये डिपार्ट जी सबसे पुराना डिपार्टमेंट और सबसे हर एक के पेट के साथ जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ है, जिसने भी सांस ली जन्म ले लिया ये डिपार्टमेंट जुड़ गया। इसके साथ वो जुट गया, इसलिए इनको पता होता है ये ऐसी वो। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये जो गांठ पे राशन आना है उसका मैंने आपको कोई बता, एक मखसूस हफ्ता हो कि इस हफ्ते में आएगा, और एक हफ्ता अगर एक गांठ मुंशी जी के पास 4 जगहों के चार्ज हैं, तो एक सर्कुलर निकले कि इस हफ्ता वो यहां पर सर्व करेगा, अगले हफ्ते यहां पर सर्व होगा, फलाना हफ्ते वहां होगा, फिस्ता वो हफ्ते हम वहां करेंगे। होगा। आप इसको सर्कुलर, मैंने कहा ऑलरेडी वो वही कर रहे हैं, वह हम इसको सर्कुलर के जरिए भी करेंगे। ताकि जस्ट लेट लोगों मी को राहत पहुंचे, एश्योर, लोगों को राहत पहुंचे, हाँ क्योंकि ठीक हमने है, ये अच्छी बहुत सारे सजेशन है, कंज्यूमर्स ऐसे हैं अच्छी सजेशन। जहां जहां पर एडिशनल चार्ज है स्टोर किए, उनको हम डायरेक्ट करेंगे। जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तो ऐसे भी कंज्यूमर्स। मैंने कहा आपको, हम अभी स्टॉप आ गए हैं तो इसको ईज आउट कर रहे हैं, अदरवाइज भी जी अब इसमें बेहतरी मतलब आएगी। बेहतरी, मतलब और लोग आ गए हैं जी तो नेचुरली उनको चार्ज देना है, जी इनको स्टोर अब कम होंगी, अब ये शिकायत नहीं रहेगी, 4 हैं 3 हैं 5 हैं, जी ज्यादा ज्यादा 2 रहेंगे किसी के पास, 2 मैनेज करना आसान बात है। बिल्कुल सही। तो ये जो 2 मैनेज करना आसान तो है, लेकिन इसके लिए वो सर्कुलर करेंगे सर्कुलर होना फिर। चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैं कंज्यूमर्स को मैं आई हैव जानता हूं, गॉट मैं योर पर्सनली पॉइंट। जानता हूं एक कंज्यूमर को मैं जानता हूं जो कि एक फीमेल है, घर में अकेली औरत है और छोटे बच्चे 3 हैं, सही, तो वो नौकरी करती है, मजदूरी करती है। अब उसके नौकरी पास पॉसिबल नहीं है कि वो हफ्ते महीने के 25 दिनों में 4 बार गांठ पे जाए और वहां चेक करे कि मुंशी जी ना, आए नहीं, हैं, वो राशन मिलेगा उसके या साथ नहीं मिलेगा। जाती है, वो उसके साथ जाती है। तो अगर उसे पता हो कि इस हफ्ता मुंशी जी रहेंगे, तो शायद वो अपनी मजदूरी में से एक दिन काट जजाक के अल्लाह, ये बहुत जाए। अच्छी सजेशन है, इस पर हम इंशाल्लाह एक ऑर्डर निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पर सब बस इतना जानना चाहेंगे कि क्या कोई मैसेज है आपका कंज्यूमर्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए। कंज्यूमर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो जहां जहां भी हमारे किसी भी मुलाजिम को उनकी मर्जी के मुताबिक कोई काम, मतलब राशन के हवाले से मैं कहता हूं, और कोई नहीं, राशन के हवाले से अगर उनको कोई शिकायत हो तो वो उसमें अपनी शिकायत हमारे तक पहुंचाए, हम उसका इजाला करेंगे। दूसरा ये, वो कभी भी राशन में जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया उससे ज्यादा पैसा ना दें। तीसरा मेरा ये है कि वो कभी भी अगर राशन की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो, वो राशन कबूल न ना करें। करें। दूसरा दूसरा मेरा ये है कि जब वो मार्केट में जाएंगे तो जहां पर उनको महंगाई लगेगी कि हमारे रेट्स के बाहर, तो वो भी अपना फर्ज निभाएं। वो ये नहीं कि वो फिर किसी कसाब को उनको वो हमसाएगी का आता है, वो कहती है लिहाज नहीं करें। लिहाज आता जी है, तो वो नहीं करना। हमारे स्टाफ अगर वो भी इंसान ही है, बिल्कुल वो सही। भी फरिश्ता नहीं है कि वो उसका गला घोंट देंगे, वो आपके ही सपोर्ट से एक्शन रेट्स लेंगे। को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल और जो रेट्स के खिलाफ दुकानदार जाता है उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब आज शुक्रिया। यहां स्टूडियो आने का, और आज के दिन हमें इतना वक्त देकर इतनी सारी बातों पर रोशनी डालने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।